भाई मेरा ट्रेडिशनल डेटा, डेट नेम, सिटी, सेल्स टाइप। तो जब आपको पाइवट टेबल अप्लाई करनी होती है, तो पाइवट टेबल हम जब अप्लाई करते हैं, जब हमें मतलब क्वेरीज, डेटा में से क्वेरीज निकलती हैं, जैसे मैनेजमेंट को रिपोर्ट चाहिए, इस तरह के डेटा को देख के क्या समझ में आता है कि एक रिपोर्ट हो सकती है कि हमारी ईयरली सेल कितनी है। ठीक है जी। मतलब जैसे इनको सेल्स वन और इन सबको हम प्रोडक्ट मान सकते हैं। ठीक है जी। या फिर शुरुआत में ना लें तो वो इनको कुछ भी अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स मानिए। और ये इससे निकलता है कि कितने ईयरली सेल क्या है, मंथली सेल क्या है, किसी पर्टिकुलर बंदे की किसी पर्टिकुलर सिटी में कितनी सेल है, किसी पर्टिकुलर सिटी में कितनी सेल है। ठीक है जी। तो ये सब क्वेरीज इससे बनती है। तो इन क्वेरीज को टैकल करने के लिए मैनेजमेंट की हम पाइवट टेबल यूज करते हैं। ठीक है जी। तो पाइवट टेबल को यूज किया जाता है डेटा को एनालाइज और समराइज करने के लिए। ठीक है। डेटा को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले रफ डायग्राम बनाना पड़ता है। पहले तो आप डेटा को देख के अंदाजा लगाइए कि किस किस तरह की क्वेरी बन सकती है। ठीक है जी। अगर आप ऐसा आदमी बनना चाहते हैं कि डेटा मतलब मैनेजमेंट के मांगने से पहले ही आप रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो डेटा से उसके रिलेटेड सवाल पूछने शुरू कीजिए। जैसे डेटा को देख के मुझे लग रहा है मंथली पता करना है, ईयरली पता करना है कितनी सेल्स है, एम्प्लॉय वाइज सेल्स पता करनी है, एम्प्लॉय वाइज मंथ वाइज सेल पता करनी है, एम्प्लॉय वाइज ईयर वाइज सेल पता करनी है, सिटी वाइज एम्प्लॉय सेल पता करनी है, शेयर पता करना है कि किसी टोटल सेल्स में किसी एक पर्टिकुलर सिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसी मंथ का कितना कंट्रीब्यूशन है, किसी ईयर का कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल निकलते हैं जिसको पाइवट टेबल से ही टैकल किया जाता है। ठीक है जी। तो सबसे ज्यादा जिससे आपकी उसका रिपोर्ट का नाम रखा जाना है, जैसे एम्प्लॉय वाइज डेटा, एम्प्लॉय सेल्स रिकॉर्ड, तो वो आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट बन जाती है। एम्प्लॉय वाइज, सिटी वाइज, तो प्रायोरिटी टू बन जाती है। ठीक है जी। तो इसी तरह से प्रायोरिटी सेट करेंगे। ठीक है। और इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आता है डेटा सिलेक्शन का, जैसा कि मैंने बताया था कि कंट्रोल ए में आपका जो डेटा आएगा वही अप्लाई होगा, तो आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं। इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे पाइवट टेबल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें तो आपके सामने इस तरह से बना हुआ आ जाता है सिलेक्ट टेबल और रेंज। ठीक है जी। टेबल देंगे या रेंज देंगे, तो रेंज सिलेक्टेड है। ठीक है जी। दूसरा, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। आप नई शीट पे बनाना चाहते हैं कि किसी पुरानी शीट पे बनाना चाहते हैं? ठीक है जी। तो मैं कह देता हूँ कि न्यू पे ही बना लो। ओके करती हूँ। एग्जिस्टिंग पे आपको उसको यहाँ से क्लिक करके लोकेशन देनी पड़ेगी कि यहाँ बना। जैसे ओके करेंगे, इस तरह का डायग्राम आपके सामने बन के आ जाता है और साथ में आपकी पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट आ जाती है। इसके साथ ही दो ऑप्शन आपके विजिबल हो जाते हैं, एक तो ऑप्शन का टैब, एक डिजाइन का टैब। ठीक है जी। तो ऑप्शन के टैब को देखते हैं कि मान लीजिए आपका ये पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट नहीं आ रही है, तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट का बटन है, इसको दबा के इसको लाया जा सकता है। ठीक है जी। अब जैसा कि मैं प्रायोरिटीज की बात कर रहा था कि किसी भी प्रायोरिटी जो सबसे जिससे आप बना रहे हैं उसको आगे एम्प्लॉय वाइज बनानी है, आपको एम्प्लॉयज को क्या करना है? किसी की स्क्रीन रुकी पड़ी है क्या? सर इस बार मेरी तो सही है। वही नेटवर्क का इश्यू है सर। ठीक है। ये हो जाएगी थोड़ी देर में, अपने आप सही हो जाएगी। ठीक है। तो मैं जैसा कि प्रायोरिटी की बात कर रहा था कि प्रायोरिटी सबसे पहले आती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी को आपको कहाँ देना है? रो में। यहाँ पे चार खाने हैं। ठीक है जी। एक रिपोर्ट फिल्टर है, एक कॉलम लेबल है, एक रो लेबल है और एक वैल्यूज है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे जिससे नाम लिखा जाना है टेबल का, वो हमारा रो में आता है। या तो आपको इसको क्लिक कर दें, तो
ऑटोमेटिकली ये रो में जाएगा, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो चेक करेंगे तो रो में चला जाएगा। हालांकि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके चेंज भी किया जा सकता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है जी। तो कभी आपका गलत चला जाता है तो आप चूज कर सकते हो, तो यूनिक आपके नाम आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। अब बात रहे कि जैसे एम्प्लॉय वाइज ही डेटा चाहिए मुझे, तो सेल्स यहाँ से चूज करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, जो भी कैलकुलेशन वाली फील्ड्स होंगी ऑटोमेटिकली वैल्यूज में चली जाएंगी। अगर इधर उधर होती हैं तो आप उसको खींच के वैल्यूज तक ला सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का स्पेसिफिक डेटा दिखा रहा है, जैसे जैसे मैं क्लिक करता जा रहा हूँ वो उसमें चला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कि सेल्स 5 के बाद सेल्स 4 आ गया, मान लीजिए 4 मुझे पहले रखना, और देखिए इनका सब का सम होके आ रहा है, उनके अंदर जितनी वैल्यूज थी जैसे सम इफ के फॉर्मूला से करते हैं उसी तरह से ये सम होके आ रहा है कि सुजीत की आ गई इकट्ठे आ गई। अगर आपको इनको रीअरेंज करना है तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको रीअरेंज किया जा सकता है। तो मैं देख लेता हूँ सेल्स 4 को सेल्स 5 के ऊपर रख देता हूँ, ज्यादा रहेगा तो दिखाने में दिक्कत होगी। हाँ एक और चीज कि जब हमारी वैल्यूज में जब एक से ज्यादा कॉलम पड़ते हैं तो आपके पास एक वैल्यू का कॉलम वैल्यू का फील्ड जो है कॉलम लेबल में आ जाता है। देखिए अगर एक होगा तो नहीं आएगा, एक से ज्यादा कैलकुलेशन के लिए वैल्यू होंगी तो वैल्यूज का वो आ जाता है, ठीक है जी। वैल्यूज की फील्ड आ जाती है कॉलम्स में। अब इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैं 7 ले लेता हूँ तो कई बार दिखाने में पेज उतना बड़ा नहीं हो रहा है, मैं क्या कर चाहता हूँ कि ये रो में आ जाए मेरा। अभी डेटा कॉलम्स में चल रहा है, सेल्स 1 यहाँ आ रही है और सेल्स 2 इधर आ रहा है, तो मैं एक ही में दिखाना चाहूँ तो क्या है कि वो इसलिए होता है कि ये वैल्यूज जो है ये कॉलम में है, अगर मैं वैल्यूज को खींच के रो में रख दूँ तो ये मुझे इस तरह से दिखा रहा है, और इसमें मैं चाहे जितने मर्जी ऐड कर दूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी प्रिंटिंग में आ ही जाना है, ठीक है जी। तो ये सारा वैल्यूज के कॉलम का खेल होता है, इधर से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि मैं वैल्यूज का क्यों बता रहा था कि जैसे आपको सेकंड प्रायोरिटी है, अब सेकंड प्रायोरिटी क्या है, मेरी सिटी दिखानी है, ठीक है जी। नेम का भी चाहिए, सिटी का भी बाइफरकेशन चाहिए, तो सिटी को क्या करता हूँ मैं इसमें रखने की बजाय रो में, हालांकि रो में भी रख सकता हूँ, तो ये हर एक का मुझे इस तरह से दिखा रहा है, ठीक है जी। वैल्यूज को अगर मैं उधर रख दूँ तो इस तरीके से दिखाएगा सुजीत, फिर हर एक सिटी में से, ठीक है जी, हर एक सिटी में से ला रहे। ये फॉर्मेट आपको पसंद नहीं आ रहा तो वैल्यू को इधर कर दीजिए, सिटी को उधर कर दीजिए, ठीक है जी। तो सिटी यहाँ पे आ गई आपकी, सेल्स से ऐसे चल रही है, तो जैसी रिपोर्ट है आपकी उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ठीक है जी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ बाकी सेल्स के पॉइंट्स को हटा देता हूँ और एक ही रहने देता हूँ ताकि इसको समझने में दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा एक साइड सिटी आ गई, एक साइड एम्प्लॉयज आ गए। मान लीजिए आपको सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए तो सिटी इधर कर दीजिए, एम्प्लॉयज इधर कर दीजिए, ठीक है जी। उसमें क्या दिखा रहा है, एक सिटी में देखना चाह रहे हैं तो एक सिटी की सेल्स यहाँ ग्रैंड टोटल में दिख रही है, और एक एम्प्लॉय की देखना चाह रहे हैं तो एक एम्प्लॉय की फोन देख रही है। दो क्वेरीज को एक ही डेटा हमारा सॉल्व कर रहा है, ठीक है जी, चाहे इसको इधर रखें चाहे इधर। अब मान लीजिए जैसे सिटीज की संख्या कम है, एम्प्लॉयज की संख्या ज्यादा है, तो एम्प्लॉयज की संख्या बढ़ के मतलब रिपोर्ट लंबी हो रही है तो एम्प्लॉयज को इधर कर दें, ठीक है जी, एम्प्लॉयज को इधर कर दीजिए। वो उस पर डिसाइड किया जाता है कि डेटा को आपको प्रिंट किस तरह से लेना है। मैंने गलत कर दिया, नेम उठा के आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे एडजस्ट करेंगे यहाँ पे भी एडजस्टमेंट शुरू हो जाएगी, उसी हिसाब से डेटा दिखाएंगे, ठीक है जी। कहेंगे कि इसका फायदा क्या है, तो मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए इनका कि अच्छा 846 है कैसे, तो ये कहते कि सुचित का पलवल में 846 है कैसे है,
या तो आप फिल्टर करके दिखाएंगे, बट इसमें एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, जो भी कैलकुलेशन की फील्ड्स हमारी ला के देती है उन पर जैसे ही उसको आप डबल क्लिक करेंगे तो एक नई शीट खुल जाएगी और वो डेटा अलग से इंपोर्ट हो जाएगा अलग शीट में। ठीक है जी, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं वो चीज इसे है कि नहीं। ठीक है जी, ये बेटर ऑप्शन होता है। ये पलवल का आ गया, टोटल देखना चाहूँ मैं टोटल को उठा लिया तो सुजीत की टोटल सेल आ गए। ठीक है जी, तो विद वन क्लिक आपको होल डेटा आपको मिल जाता है, इसीलिए पाइवट टेबल का प्रचलन ज्यादा है। ठीक है जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स के बारे में। जैसे मैं सिटी यहाँ पे ले आया, पर इंडियन जो होते हैं हमारे इसमें तो कई जगह बड़े एडमेंट रूल होते हैं कि कंपनी में आपको कहेंगे कि भाई साहब ग्रैंड टोटल आपने यहाँ दिखा दिया, ये तो गलत है, पहले ये आना चाहिए और ग्रैंड टोटल आना चाहिए बाद में, मतलब यहाँ आना चाहिए। कई कंपनी में जाएंगे तो ये सवाल पड़ेंगे, कहेंगे रिपोर्ट ही गलत है तुम्हारी। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में तो कुछ भी चल सकता है, इंडियन स्टैंडर्ड में दिक्कत करते हैं। तो आपके इसके जवाब जो है वो डिजाइन में होते हैं, और नहीं तो एक और ऑप्शन है, राइट क्लिक कर दीजिए इसी पे और आपके पास है पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक है जी, यही ऑप्शन आपके ये ऑप्शन के अंदर यहाँ पे भी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है जी, सेम खुलेगा आपके सामने। तो इसमें क्या होता है, एक डिस्प्ले में एक हमारे पास होता है क्लासिक पाइवट टेबल। ठीक है जी, अभी क्या प्रॉब्लम है इसमें, कई बार हमें ना पाइवट से पाइवट लगाना होता है, पाइवट में एक डेटा फिल्टर करके ले आए और फिर उसमें पाइवट लगाना है, तो उस चीज में अपने साथ दिक्कत ये आती है कि यहाँ पे देखिए एक ही कॉलम के अंदर नाम भी है और सिटी भी है, जब नाम सिटी एक ही कॉलम में आएंगे तो हम खुद ही नहीं छाट पाएंगे। ठीक है जी, एक और फैसिलिटी है इसकी, उससे पहले बता दो कि ये जो बटन है आपका प्लस माइनस का, ठीक है जी, यहाँ आपके पास एक्सपेंड और कोलैप्स के बटन है। ठीक है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे, आपको ऐसे देखना है रिपोर्ट ऐसे देखिए, बढ़ा के देखना है बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, अगर ये आपको बटन अच्छे नहीं लग रहे हैं तो यहाँ पे बटन का भी है अपने पास बटन, उसको हटा देंगे तो नहीं दिखाएगा। ठीक है जी, पर एक्सपेंड कोलैप्स के भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर बटन अच्छे नहीं लग रहे तो आप बटन हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन में जो मैं बता रहा था क्लासिक पाइवट टेबल, वो क्या करता है, डिस्प्ले में जाके आप क्लासिक पाइवट टेबल पे जब ओके करेंगे तो क्या होगा कि ये डेटा आपका इस तरीके से आ जाएगा जो कि ट्रेडिशनली इंडियन फॉर्मेट्स में चलता है। ठीक है जी, नेम यहाँ आ गया, सिटी यहाँ आ गया और इसके बाद यहाँ पे लास्ट में टोटल। ठीक है, इसमें आपका प्रॉब्लम भी दूर हो गई कि नेम सही जगह है, नेम एक कॉलम में अलग से है, सिटी एक कॉलम में, बाकी सेल्स अलग चल रही है। ठीक है, अब सेल्स अलग चल रही है, अब कई बार क्या होता है कि अपने यहाँ और भी पंगे होते हैं, यही नहीं होते, ये कहते हैं कि अब जैसे आपको इस डेटा पे बॉस के हिसाब से तो सही है, अब कहेंगे कि मर्ज करके लाओ इसमें। ठीक है जी, इस कॉलम को मर्ज ही कर दो, मैं अलग से सैलरी सेल क्रिएट कर दिए हैं, इसका क्या फायदा है, खाली छोड़ दी, मर्ज कर दो इसको। ठीक है जी, मर्ज के लिए क्या करेंगे, फिर से ऑप्शन पे जाएंगे और आपके पास है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल, जब आप इसको क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो ये सेल मर्ज हो जाएंगे अपने और सेंटर भी हो जाएंगे, तो बाकी फॉर्मेटिंग आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी, जैसी चाहिए तो वैसा कर सकते हैं। ये तो मर्ज हो जाता है, बस ये बाकी का डेटा को वैसे कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हमारे पास सेल जो है मर्ज आ गई, ताकि हम अपने फॉर्मेट से एग्जैक्ट मैचिंग कर सकें। ठीक है जी, बाकी इसमें एक और चीज आती है कि मान लीजिए टोटल के बाद एक लाइन का गैप चाहिए, तो इसका भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है, एक लाइन का गैप यहाँ पे है आपके पास डिजाइन के अंदर, ब्लैंक रोज का कॉलम इनसाइड ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। ठीक
ठीक है जी। तो हर एक आइटम के बाद आपके एक ब्लैंक लाइन आ जाती है, ठीक है, हर एक के बाद एक एक ब्लैंक लाइन है। ये आपके पास डिजाइन में ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं अगर नहीं चाहिए, ठीक है जी। हटाना है तो वही पाइवट टेबल में ऑप्शंस पे जाके मध्य सेंटर हटा दीजिए, पहले जैसा हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये टोटल पसंद नहीं चाहिए मुझे टोटल, तो यहाँ पे डिजाइन के अंदर आपके थोड़े से ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक है कि जैसे ये टोटल आ रहा है, सब टोटल, अब आपको ये टोटल नहीं चाहिए, खाली डेटा डेटा चाहिए, तो सब टोटल यहाँ से एक तो राइट क्लिक करके यहाँ से सब टोटल हटा सकते हैं, और सब टोटल सिर्फ एक के लिए हटेगा, ठीक है, मतलब इसी में आपके क्या होता है कई बार सब टोटल इसके अंदर भी आ जाता है, इसमें नहीं चाहिए आपको तो राइट क्लिक करके सब टोटल हटा सकते हैं, जैसे ये आ रहा है तो हटा सकते हैं, अभी है नहीं तो दिखा नहीं रहा। एक साथ ही सब में हटाना है तो सब टोटल से यहाँ से कर सकते हैं कि डू नॉट शो सब टोटल, सब टोटल नहीं दिखाएगा आपको, ग्रैंड टोटल ही दिखाएगा, ठीक है जी। डेटा शो ऑल सब टोटल बॉटम ऑफ ग्रुप, सबसे नीचे दिखाएगा, शो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप, और टॉप ऑफ ग्रुप इसमें नहीं चलता है क्योंकि ये तो क्लासिक फॉर्मेट है ना। तो इसी तरह से आपके यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट है, जैसे कि हम इसमें आ गए तो इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म आपके अर्लियर है जैसा पहले चल रहा था, ठीक है जी। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, शो सब टोटल बॉटम ऑफ ग्रुप, तो ये बॉटम में दिखाने लगा उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने डेटा सिलेक्ट किया था, ठीक है जी। कई बार क्या होता है कि हमें इस तरह से ही चाहिए, ये टाइटल आ गया, फिर ये डेटा आया, फिर सब टोटल यहाँ आ गया, ठीक है जी, करंट फॉर्मेट के अंदर ही। तो आप रिपोर्ट लेआउट में कॉम्पैक्ट फॉर्म है, आउटलाइन फॉर्म है जो उसकी तरह ही मैचिंग है आपकी जैसा पहले था, तो क्लासिक की तरह। टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म भी क्लासिक की तरह ही लेता है, ठीक है जी। ब्लैंक रो इंसर्ट कर सकते हैं, उसी की तरह ही है हमारे पास ग्रैंड टोटल। अब ग्रैंड टोटल में क्या होता है, मैं सिटी को इंसर्ट कर देता हूँ। अब देखिए दो तरह के ग्रैंड टोटल होते हैं, एक तो आपका जो कॉलम में आए, एक जो आपका रो में आए, ठीक है जी। तो आप इन दोनों को चाहे तो ऑफ कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रो एंड कॉलम, तो आपको कोई ग्रैंड टोटल नहीं दिखाएगा, ठीक है जी। ऑन फॉर रोज कॉलम करेंगे दोनों के लिए आ जाएगा, ऑन फॉर रोज ओनली कर देंगे तो रोज के लिए आ जाएगा, ऑन फॉर कॉलम ओनली करेंगे तो कॉलम के लिए आ जाएगा, ठीक है जी। जिस तरह से दिखाना चाहे, मान लीजिए यहां नहीं दिखाना आपको तो वहां से कर सकते हैं, कॉलम में दोनों के लिए ऑन कर देता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने उसको, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डिजाइन्स हैं यहाँ पे कि आपका डेटा कुछ बुरा सा लग रहा है आपको, तो यहाँ कुछ थोड़े से डिजाइन मिल जाते हैं आपको जिससे आप डेटा अच्छा दिखा सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। बैंड रो बैंड कॉलम होते हैं कि जैसे इस तरीके से चेकर्ड टाइप में एक वाइट और रोज जो बैंड हो जाते हैं ना, बैंड रोज में बैंड कॉलम, ठीक है। तो ये अगर स्टाइल चाहिए तो ले सकते हैं, रो हेडर कॉलम हेडर, रो का तो कोई हेडर नहीं है, कॉलम हेडर, उनके कलर फॉर्मेटिंग अलग अलग, ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ डिजाइन के बारे में हमने देखा, ऑप्शंस पे चल के और ऑप्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पे आप काफी हद तक फॉर्मेट कर सकते हैं, बट इनको ऐसा फॉर्मेट नहीं कर सकते जैसा आप जनरली अपने डेटा के साथ कर सकते हैं, आपको इसी से ही मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको आप पूरा कॉपी करने की कोशिश ना करें, पूरा कॉपी करेंगे तो ये पाइवट टेबल भी साथ में कॉपी हो जाती है, तो आधा करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक हेडिंग छोड़ दी तो अब आपकी अगली शीट में क्या है कि वो अब पाइवट टेबल नहीं रह गया, ये देखिए जब यहाँ क्लिक कर दें कोई लिस्ट नहीं आ रही है तो मतलब पाइवट टेबल नहीं है। अब आप इसको अपने मर्जी के मुताबिक फॉर्मेट कर सकते हैं किसी भी इस डेटा को,
और बॉस को बना के दे दी रिपोर्ट हमने कि जी ये रही हमारी रिपोर्ट रिपोर्ट फॉर या सेल्स रिपोर्ट एम्प्लॉई सेल्स रिपोर्ट ऐसे करके रिपोर्ट का नाम दे दिया और अपनी जैसी फॉर्मेटिंग आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, ठीक है, मेल करने लायक बना सकते हैं। तो ये तो रहा कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेटिंग का। अब दूसरा, जैसे आप डेटा को देखते हैं, अब मान लीजिए मुझे पलवल यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ तो सम हो रहा है और यहाँ पलवल अलग से कुछ दिखा नहीं रहा है हेडिंग में, तो आप क्या कर सकते हैं, बस इसको पकड़ के आपको लाना है, ये जो आपका चौतरफा निशान बन जाए तो इसको खींच के कहीं भी लग सकते हैं, पलवल इधर आ गया, सारा डेटा उसी तरह से मूव होगा जैसा आप इसको करना चाहें, बस इसको आपको ट्रैक करके लाना है किसी भी हेडिंग को, वो वैसे हो जाएगा। यहाँ पे आपको नाम ऊपर नीचे करना है तो इसको नाम को पकड़ के ऊपर नीचे कर दीजिए, आपका डेटा भी इसके साथ साथ ही मूव हो जाएगा, ठीक है, जो होल डेटा एक साथ में ही मूव होगा इसका। तो आप इसकी सेटिंग मैन्युअली कर सकते हैं, जैसे ये डेटा मुझे सबसे ऊपर चाहिए, ठीक है, ये मैन्युअली कर सकते हैं। दूसरा, आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग ए टू जेड, जेड टू ए सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंड लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा सॉर्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं, एक किसी भी एक पे करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाता है, मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, तो बहुत सारे काम ही हमारे आसान कर देता है। आगे देखते हैं एक्सपैंड कोलैप्स, हमने देख लिया है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा डेट के ऑप्शंस को देखते हैं कि जैसा मैंने कहा है कि ईयरली कैसे बनाएंगे लिस्ट को। मैं इसमें से अब सिटी हटा देता हूँ, रिपोर्ट को कॉम्प्लिकेट ना करते हुए, और इसके आगे ले आता हूँ अपना डेट, क्योंकि हमारे पास तो डेट ही पड़ी हुई है। अब डेट से अलग मंथ कैसे छाटेंगे, या तो वही करूँ कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला डाल के मंथ निकालू और फिर उसमें छाटू, ठीक है, और नहीं तो डेट को मैंने ले लिया प्रायोरिटी में सबसे ऊपर। अब यहाँ सब टोटल सारा है फालतू के मुझे चाहिए, मैं सब टोटल हटा दिया, ठीक है जी। अब डेट वाइज सेल्स आ गई मेरी, अब मैंने क्या करना है, मंथ वाइज चाहिए। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन, अनग्रुप और ग्रुप फील्ड का ऑप्शन अवेलेबल है ग्रुप टैब, तो ग्रुप को हम क्लिक करेंगे। अब देखिए ये क्या है कि ग्रुपिंग जो है इसमें जो आपकी मतलब स्मॉलेस्ट डेट आ जाएगी और लार्जेस्ट डेट दोनों आ जाएंगी स्टार्टिंग है। अब आपको करना क्या है, मंथ वाइज करना है, तो मंथ चूज कीजिए, मंथ में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, मंथ में हो गए सीधे सीधे। बट मंथ का तो आपको पता ही है कि ईयर नहीं है, ये मंथ ही है, फिर सारे चाहे 10 साल का डाटा हो तो जनवरी का एक हिसाब दिखा रहे, ठीक है जी। तो मुझे क्या चाहिए, मंथ वाइज हो बट ईयर वाइज भी हो, तो ईयर भी मैंने यहाँ से क्लिक कर लिया, मल्टीपल सिलेक्शन इसमें चलता है, ओके कर दिया, तो यहाँ तो आ गए मेरे ईयर्स और यहाँ आ गए मंथ, ठीक है जी। हर एक की सेल आ गई, सेल को मान लीजिए नेम को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है जी, तो एम्प्लॉयज मेरे यहाँ आ गए और मेरी मंथली सेल्स मुझे इस तरह से दिखा रहा है ईयर की और मंथ। मान लीजिए ईयरली सेल्स देखनी है आपने, पे क्लिक कीजिए, एक्सपैंड कोलैप्स का है ये ऑप्शन, ईयरली कोलैप्स्ड हो गए, ठीक है जी, एक में मंथली चाहिए तो मंथली कोलैप्स्ड हो जाएंगे, मंथली तो है ही है, ठीक है जी। अब इसको एक्सपैंड कर दूंगा डेट को, अब यहाँ पे डेट तो है नहीं, डेट चाहूं तो डाल सकता हूँ, इसमें क्या है ना कि ईयर का एक हो गया, अब डेट चाहिए तो वापस मुझे ग्रुप में जाना पड़ेगा, डेट भी चाहिए तो, ठीक है जी, यहाँ डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो डेट भी आ गए, तो आप इसको भी एक्सपेंड कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है जी, आपकी रिपोर्ट उस हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। तो डेट से रिलेटेड इसमें इतने फंक्शंस हैं कि आप अच्छा खासा यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मान लीजिए आपको ईयर मंथ डेज नहीं चाहिए, ईयर और क्वार्टर चाहिए,
है जी। तो हर एक ईयर के क्वार्टर आ गए कि क्वार्टर वन में जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट किसी कंपनी की बनती है, तो किसी ईयर में क्या क्वार्टर वाइज क्या रिपोर्ट रही, ठीक है जी, इस हिसाब से कर सकते हैं। तो इतने ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं इस ग्रुपिंग के जरिए, आप पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये तो रही मेरी जो डेट की जो थी, अब मैं डेट को हटा देता हूँ, डेट को भी हटा देता हूँ, ईयर को भी हटा देता हूँ, नेम को वापस ले लेता हूँ। अब मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ दो सेल जो है वो एक सेल्स है और एक क्वांटिटी, ठीक है जी। सेल्स टू को मैं क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है जी। तो सेल्स टू को जब मैं क्वांटिटी कर रहा हूं तो मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे सेग्रीगेट करने हैं, ग्रुप बनाने हैं कि 10 से 20 की सेल हुई, फिर 20 से 30 की हुई, फिर 30 से 40 की हुई, इस तरह से ग्रुप बनाने। तो वो फिगर क्या है, ठीक है जी। तो मैंने जब इसको कॉलम में डाल दिया, मान लीजिए क्वांटिटी के ऊपर, तो ग्रुप फील्ड में आ गया उसको सिलेक्ट करके। अब मुझे क्या लेगा ये, उसको जितनी भी वैल्यू दूंगी स्टार्टिंग और एंडिंग पकड़ लेगा, और फिर ग्रुप कितने कितने के बनाने हैं आपको। मैंने कहा चलिए आप 20-20 के ग्रुप बना दीजिए, तो ये कैसे बन जाएगा, 10 से 29, 30 से 49, 50 से 69, 70 से 90, ठीक है जी। 10 से 29 की कितनी सेल हुई, ये रही। 30 से 49 की कितनी सेल हुई, ये रही। 50 से 59 की हो गई, ये रही। तो इस तरह से ग्रुपिंग कर करके भी आपके बन जाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया, नंबर्स को इस तरह से ग्रुप करते हैं। चाहे चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ कि 10 से 29 की है, 30 से 49 की है, तो इस तरह से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। अब इनको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब जैसे कई बार क्या होता है कि मुझे इसके लिए, इस काम के लिए यहाँ से चाहिए, रीजन्स हो जाते हैं अपने पास, ठीक है जी। या इस ऑप्शन को समझने के लिए कुछ नहीं लेते, मान लीजिए 3 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं एक टीम की तरह, तो टीम ए और टीम बी में मुझे बांटना है, ठीक है जी। मैंने ये बंदा सिलेक्ट किया, यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन किया और इस ग्रुप का नाम दे दिया, इसका ग्रुप का नाम दे दिया मैंने टीम ए, ठीक है जी। टीम ए दे दिया, बटन दिखा दो, मुझे खुद दिक्कत हो रही है। 3 बंदों का नाम ये टीम ए में आ गए, संदीप, हरीश, विकास। ये सुजीत वाला डिस्टर्ब कर रहा है, इसको टीम में उसमें यहाँ लाना है, उसको नीचे खींच के ले आता हूँ यहाँ से खींचता हूँ, ठीक है जी। नेम टू करके एक और फील्ड बन गए, उसको यहाँ ले आता हूँ। तो टीम ए ऊपर हो गई, टीम में कोलैबोरेटेड देखनी है आपने, ऐसे देख सकते हैं, खोल के देखनी है ऐसे देख। दूसरा जो बनाना है मुझे टीम बी बनाना है, तो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ग्रुप सिलेक्शन किया और यहाँ ग्रुप टू टू बन के आ गया, जिसका मैं नाम दे सकता हूँ टीम बी। तो 2 टीम बना दी मैंने, इस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी की भी। यहाँ से एक्सपेंड कॉल एफ वैसे ही चलेगा, टीम ए बी ने कितना क्या परफॉर्म किया और इंडिविजुअली कैसे कैसे परफॉर्म किया, ठीक है जी। तो इस तरह से भी कर सकता हूँ। अनग्रुप करना है, वापस सेलेक्ट करके यहाँ से अनग्रुप कर दीजिए, अनग्रुप, हाँ इसको अनग्रुप कर दो, अनग्रुप कर दिया, इसको सेलेक्ट करके फिर से अनग्रुप कर दिया, तो ये हट गए मेरे, ठीक है जी। तो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट इतना है कि आप किसी भी फील्ड्स को आपस में ग्रुप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसमें सॉर्टिंग के यही बटन है यहाँ पे। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी वैल्यू बढ़ती है, अगले में कुछ वैल्यू चेंज होती है। मैं यहाँ सेल्स बढ़ा देता हूँ, सेल्स में किसी के संदीप पलवल 500 कर देता हूँ, तो कुछ बढ़नी चाहिए। पर यहाँ पे डायरेक्टली अपडेशन नहीं आता है, 7128 ऑप्शन में ये जो रिफ्रेश का बटन है उसको जब तक दबाएंगे नहीं या तब तक ये रिफ्रेश नहीं होता, या ऑल्ट F5 दबाना होता है। जैसे ही रिफ्रेश दबाऊंगा तो डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्रेश आपको करते रहना पड़ता है, अगर VBA जानते हैं तो VBA के थ्रू रिफ्रेश करवा सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये जब तक रिफ्रेश नहीं करेंगे डेटा में कोई चेंजेस नहीं होता। तो ये है, बाकी और ऑप्शंस देख सकते हैं, देख लेते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन में। शो ग्रैंड टोटल वाले भी वही हैं ऑप्शन, ठीक है जी। तो ये एक्सपैंड कॉलेप्स के बटन दिखाने नहीं दिखाने। बाकी एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है, एक तो ये है रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जैसे पाइवट लगा के छोड़ दिया आपने तो दोबारा ओपन करें तो रिफ्रेश करे कि ना करे, ठीक है जी। एक तो ये ऑप्शन है, तो खोलते ही रिफ्रेश हो जाएगा, एक काम तो ये हो गया। दूसरा, सेव सोर्स डेटा विद फाइल, क्या है कि जब भी आप पाइवट किसी और उसमें भी लगाते हैं तो इसका डेटा, जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूं ना तो आ जा रहा है, ठीक है जी। मान लीजिए इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, नई फाइल खोली, उसमें डाल दिया और इसको सेव कर दिया सैंपल के नाम से, सेव कर दिया, इसको भी सेव करके बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब ये सैंपल जो है खोलता हूँ तो डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेटा तो आ ही रहा है, ठीक है जी। डेटा आ रहा है, मतलब इसके साथ जो कहने का मतलब है कि डेटा सेव होता है, ठीक है। आप अगर नहीं चाहते कि इसके साथ डेटा सेव हो, जो रिपोर्ट भेजिए सिर्फ उतनी ही रहे, तो आपको ये ऑप्शन जो है डेटा में जाके इसको अनचेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, मेल पे भेजा, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय को, मैं एक एम्प्लॉय को उसी की डिटेल भेज रहा हूँ तो उसको उतनी ही मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जो दिखा रहा हूँ, तो उसके लिए ऑप्शन यूज कर सकते हैं सेव डेटा विद फाइल का। तो ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन था, ठीक है जी। इसका आगे देखते हैं। इसके बाद अब जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें एक ये आ गया, ईयर्स आ गया, फालतू का ये चीज आ गया, नेम टू भी आया था, अब ये है नहीं आया हुआ है, ये सब हटाना है तो क्लियर कर दीजिए, ठीक है। सारी पाइवट टेबल क्लियर हो जाएगी, जो भी इसके अंदर अटरम शटरम लगा हुआ सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है जी। जो नई फील्ड बनी थी सब कुछ। उसके बाद अब मान लीजिए मुझे एक टास्क आया, मान लीजिए एक मेरे पास टास्क आया कि मुझे उनके हेड ऑफिस में बैठा हूं और हर एक रीजनल हेड को सिटी वाइज रिपोर्ट भेजनी है, अलग अलग इनकी सिटी में कितनी कितनी सेल हुई, तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ रिपोर्ट फिल्टर, ऊपर का है रिपोर्ट फिल्टर। मान लीजिए ये डेटा है तो अभी ऑल सिटीज का दिखा रहा है, पर्टिकुलरली मैं सिलेक्ट करके भी दिखा रहा हूँ, मतलब ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए हैं, हर एक सिटी में एक हेड बैठा हुआ है, उनको अपनी डिटेल चाहिए, बाकी उनको और आपको हर बार डाटा फिल्टर करके देने में, कॉपी पेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। कोई ऐसा मेथड चाहिए कि ये काम सिस्टम में हो जाए, हालांकि इसमें आप मल्टीपल सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जिस पे कर देंगे मल्टीपल सिलेक्ट तो का एक ये नहीं है, इससे हमारा काम नहीं होगा। मान लीजिए मेरे पास 250-300 और इंडिया में तो 600-700 ऐसी किसी बड़ी कंपनी में चल गए तो हर एक को मेल करनी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, ये यही रिपोर्ट मुझे हर एक सिटी के लिए अलग अलग बनानी है, एटलीस्ट अलग अलग सिटी। मैं क्या करूंगा, ऑप्शन में मैंने क्या किया, सिटी को फिल्टर में डाल दिया, रिपोर्ट फिल्टर में, देन मेरे पास ये जो ऑप्शन के अंदर ये ऑप्शन है इसके साथ में आया, यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ऑप्शन है शो रिपोर्ट फिल्टर, सिटी
अगर एक से ज्यादा रिपोर्ट मिलने लगता है तो आप यहाँ पे मल्टीपल होगा तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही ओके करूंगा यहाँ नीचे देखिए, नीचे देखेंगे तो हर एक सीट की एक शीट बनी हुई आपके यहाँ। हर एक सीट की आपके पास शीट बनी तो डिलीट कर देते हैं, कोई काम नहीं। अब मान लीजिए आपको ऐसा ही हर एक एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस देखनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट जैसा कि होता है तो उसको इसी तरह से होता है, हर एक को परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है कि उनके से उनमें क्या होता है। तो इस तरह से मुझे हर एक एम्प्लॉयज की चाहिए कि इस तरह से मुझे पैटर्न देखना है। फिर एक पंगा है, मान लीजिए 1,000-1,200 एम्प्लॉय हो गए थे तो मैं भी करते रहेंगे, रिपोर्ट ही बनाते रहेंगे तो बात की बात है। तो ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वही वाला आप शो रिपोर्ट फिल्टर भी यूज कर नेम वाइज स्टार्ट के लिए नीचे देखने में नेम वाइज बन चुकी है। बट अब आप कहेंगे कि यार इतनी सारी रिपोर्ट तुमने दे दी, आप फॉर्मेट कैसे करेंगे? थोड़ा बहुत फॉर्मेटिंग करनी है, मान लीजिए फॉर्मेट कैसे, क्योंकि पाइवट टेबल डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, पाइवट भेजनी ही नहीं है मान लीजिए, तो क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ में या कंट्रोल के साथ मल्टीपल शीट कनेक्ट करेंगे, अब मेरी सारी शीट। इसके कुछ रूल्स हैं कि आप ना ऊपर के डेटा को ही खाली कर सकते हैं। अब मैं जो भी इसमें अप करूंगा ना वो सब पे अप्लाई होगा। जब मैंने सारी शीट सिलेक्ट कर रखी है मुझे पता है हर एक शीट में डेटा मेरा यहीं से चालू है, तो मैं क्या करूंगा इसको टाइटल रहने दूंगा, यहां से ये क्या करूंगा, पहले मैंने क्या करना है डेटा सिलेक्ट किया या कंट्रोल सी कंट्रोल बी कर दिया, उसमें इसमें मेरा मकसद है पाइवट टेबल हटाना। तो पाइवट टेबल पहले मैं हटा देता हूँ, पाइवट टेबल हटा दूँ, सम ऑफ सेल्स मुझे नहीं चाहिए, नाम रहने देता हूँ, या कोई रिपोर्ट का टाइटल लिखना चाहता हूँ तो लिख देता हूँ, यहाँ से कॉलम बढ़ा देता हूँ, तो थोड़ा बहुत काम जो है मैं कर सकता हूँ, पर ज्यादा नहीं। तो ज्यादा आपके पास फाइल आ जाती है तो उसमें ज्यादा नहीं, पर थोड़ा काम जो है हम जो हमें हर एक 50-60 सीट में करना पड़ेगा वो हमें एक साथ विदाउट वीवीए के भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से कर सकता हूँ। अब इसको मैं इकट्ठे करके ऐसे अप्लाई नहीं कर सकता, जैसे अगर मैं कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करता हूँ तो किसी का डेटा बड़ा भी होगा किसी का छोटा भी होगा उसको नहीं। हाँ मैं थोड़ा बहुत ही ऊपर टाइटल्स में बोल्ड इटैलिक कर सकता हूँ, तो अब मैं देखूंगा इसमें हर एक में वैसी फॉर्मेटिंग आ चुकी है। थोड़ा बहुत इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। काफी सारे काम हल हो गए, जहां नहीं है तो के बाद कुछ इसके अंदर यूज होते हैं फॉर्मूले। फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले। हाँ एक और चीज, पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट बहुत आसान है, बस आपने इस पाइवट चार्ट पे क्लिक करना है और जैसा डेटा आपका उसके हिसाब से ये बना देगा चार्ट। अब कुछ करना नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया है, ये डेटा है इसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ट देगा जैसा। कॉम्प्लिकेटेड डेटा होगा तो कॉम्प्लिकेटेड चार्ट देगा, पाइवट चार्ट में ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मेटिंग वगैरह नॉर्मल चार्ट।
और चार्ट उसी का बनाएगा जो आपका पाइवट में डेटा आपने दूसरी पर। अब मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया कि पाइवट टेबल तो हम कॉपी भी कर सकते हैं, क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कॉपी कर सकता हूँ। जैसा मैंने बताया कि आप क्वेरी करें, उस क्वेरी को कर करके अपने से अभी जो फील्ड लिस्ट है ना, हर एक पाइवट के लिए अलग अलग काम करेगी। यहाँ पर अलग सेटिंग है तो नेम की जगह मैं यहाँ पे सिटी वाइज बोल देता हूँ, तो एक जगह नेम वाइज होगा, एक जगह सिटी वाइज होगा, इस तरह से बना के रखी, जगह मैंने ईयर वाइज बना के रखी। मैं ऐसी मल्टीपल डेटा में बना बना के रखता हूँ और जैसे ही मेरा डेटा में कोई भी चेंज होता है एक रिफ्रेश पे वो सारा चेंज हो जाता है। पलवल में एक चेंज आएगा, एक यहाँ आएगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश मारूंगा ये सारा डेटा अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ ये चेंज हो जाएगा। इन चेंजेस भी अपने आप ऐसे ही आप रिपोर्ट छोटी छोटी बना के रख सकते हैं, डैशबोर्ड की तरह छोटा सा आपका काम कर। हालांकि मैं अपने अकाउंट्स के लिए इसी तरह का डैशबोर्ड टाइप का यूज करता था जिसमें वॉस के लिए थी, उसमें क्या करते थे हम लोग जैसे कितने चेक्स आए, कितना फंड पार्टीज को चला गया, कितने का पेंडिंग है, कितना अगले 7 दिनों में कौन से चेक एक्सपायर होने वाले हैं, तो इसी तरह का एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के रखता। इसमें क्या था कि डेटा कुछ इसी तरह का सिंपल सा होता था मेरे, तो जैसे ही डेटा में चेंजेस किया यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया मुझे एक्चुअल पोजीशन पता था, वो एड इट इज डैशबोर्ड का प्रिंट निकाल कर मैं बॉक्स में दे देता हूँ। और इतनी तरह की रिपोर्टें मांगी जाती थी कि अगर नॉर्मल आदमी हो तो पूरे दिन रिपोर्ट ही बनाता है। हम क्या करें, तो आप जिस भी अपने उसमें हैं जैसे भी उसमें हैं वहाँ पे अपने लिए डैशबोर्ड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। जैसे आपसे मैनेजमेंट बहुत सारी रिपोर्टें मांगती रहती है और एक ही तरह के डेटा से मांगती रहती है, तो डेटा को सेंट्रलाइज करके प्राइवेट टेबल का यूज करें तो आपका काम काफी हद तक हल्का रहेगा। पहले से आपके पास बना है डेटा, एक स्टैंडर्ड डेटा और उससे कनेक्शन मैनेजमेंट की रिपोर्ट, उससे मिलता जुलता भी प्राइवेट चलिए, ठीक है, थोड़े डेटा मैनेजमेंट करने मिल जाती है। ना बताए नहीं तो काम का बोझ रहा नहीं है आपको। और तो मैं बात कर रहा था फॉर्मूले की, तो इसी तरह से हम आके काफी सारे पाइवट्स चाहे तो लगा सकते हैं। बात कर रहा था फॉर्मूले, फॉर्मूले में मेरा मान लीजिए लेते हैं 7 दिन की अलग अलग से इनका टोटल करना है मुझे, क्या करना है टोटल, तो मैं खाली मेरा यहाँ टोटल आता है पर यहाँ नहीं आता, यहाँ कब आता है, एक फील्ड का टोटल आप मतलब इन दोनों सेल में सेल वन सेल टू का टोटल इकट्ठे नहीं दिखा सकते। हाँ उस एक सेल का बाइफरकेशन है तो उसका टोटल दिखा सकते हैं, सेल्स वन का ही बाइफरकेशन ऊपर ऊपर है तो नीचे टोटल दिखा सकते, बट आप कहें कि इस फील्ड पे इस फील्ड का प्लस में करेंगे वो इन मेथड से दिखाई नहीं देगा, डिजाइन में दिखा भी चलेगा, तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मूले। और फार्मूले में हमारी दो तरह के फार्मूले होते हैं, एक कैलकुलेटेड फील्ड होता है एक कैलकुलेटेड आइटम होता है। कैलकुलेटेड फील्ड में क्या होता है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिए और एक फार्मूला देखा, फार्मूला इक्वल टू तो लगता ही है प्लस, अब फिर यहाँ से इंसर्ट फील्ड कर दिया सेल्स वन प्लस प्लस सेल्स प्लस सेल्स प्लस
प्लस सेल्स ऐड करेंगे यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये नई फील्ड ऐड हो चुकी है। यहाँ पे बिजनेस को टोटल आ चुका होटल दिखाने लग गया आप मेरे पास, होटल से हम अपना काम करा सकते हैं। नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाके टोटल करना पड़ता है, एक सम का फॉर्मूला लगाना। कई बार क्या होता है कि इस डेटा में चेंजिंग अलाउड नहीं होती, मान लीजिए आप यहाँ से डेटा ले ही नहीं रहे, इस डॉट शीट से ले रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। वहां पे हम ये चीज, तो अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला डाल लेते हैं, चलिए एवरेज का भी डाल देते हैं, एवरेज लेते हैं इजी करके, और इसको क्या करते हैं, टोटल तो है ही है, डिवाइडेड बाय 7 कर देते हैं, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ हद तक आप कर सकते हैं, तो एवरेज भी आ गया है। एवरेज आ गई है, एवरेज सेल्स कितनी चल रही है। अब इसके साथ हमारी क्या ऑप्शन आया कि यार यहाँ तो ये कितने सारे पॉइंट्स में दिखा रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, तो जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग, यहाँ से क्लिक करेंगे राइट, तो वैल्यू फील्ड सेटिंग आता है, और वैल्यू फील्ड सेटिंग में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप सम कराना चाहते हैं, काउंट कराना चाहते हैं, एवरेज दिखाना चाहते हैं, ये सब भी कर सकते हैं। मतलब हर बार सम ही नहीं होगा, कभी काउंट भी होगा, कभी एवरेज भी होगा। मान लीजिए आपको सम चाहिए और आगे काउंट, तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है जी, सम काउंट एवरेज मैक्स मिनिमम कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं, यहाँ 2 डिजिट में वैसा नंबर फॉर्मेटिंग वैसे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, चाहे आप करेंसी अप्लाई करना चाहें, चाहे कुछ भी अप्लाई करना चाहें, तो इस अप्लाई कर सकते। और एक होती है अपने पास, जैसा कि अभी तक मैंने बताया कैलकुलेटेड, इस तरह से अपने पास होता है कैलकुलेटेड आइटम, और कैलकुलेटेड आइटम तब अप्लीकेबल होगा जब आप आइटम पे क्लिक करें। आइटम आइटम में वैसा काम होता है जैसा कि हमारा होता था ग्रुपिंग, थोड़ा सा होता है कुछ भी, कैलकुलेटेड आइटम देख लेते हैं, मान लीजिए विकास महेश अभिषेक एक साथ है इसका, इसका और इसके बंदे का नाम है, वो यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 बंदे दिखा रहे हैं ना, यहाँ इसका फॉर्मूला लगेगा, इनको ग्रुप करने का, तो मैंने कहा एक अजय नाम का बंदा है जिसके ट्विटर ये तीनों काम करते हैं, और अजय देखेंगे तो आपको विकास प्लस महेश प्लस अभिषेक ऐड करेंगे, तो करेंगे यहाँ पे अजय आ जाएगा। बट सावधानी की बात क्या है इसमें, कि अजय का डाटा अलग से दिखा रहा है, बट ग्रैंड टोटल है ना, ये एक्स्ट्रा ले लेता है। जब भी ये दिखा रहे हैं तो आपको या तो यहाँ फिल्टर से इसको इस चीजों को ऑफ कर दीजिए, तो सही कैलकुलेशन दिखाएगा, अदरवाइज गड़बड़ दिखाएगा, तो इनका यूज मल के करते हैं। हालांकि ग्रुपिंग में ऐसा एक्स्ट्रा वाला नहीं होता, देन आगे देखते हैं सॉल्व ऑर्डर। सॉल्व ऑर्डर में क्या होता है कि आपके सामने जो आपने कैलकुलेटेड आइटम लगाया था वो आपको दिखा, दो तीन आपने लगा रखे हैं ऊपर नीचे करने हैं तो यहाँ से उनको प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं, हालांकि इसका कोई काम नहीं, डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला नहीं चाहिए डिलीट। मेरे तो मेरे ख्याल से यहाँ से चूज कर सकते हो, कैलकुलेटेड आइटम से यहाँ से आप आगे को चूज करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ही कैलकुलेटेड फील्ड के लिए भी कर सकते हैं, आपको यहाँ दिखाएगा डिलीट कराएंगे तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एल लिस्ट फॉर्मूला, कैलकुलेटेड आइटम्स और कैलकुलेटेड
कैलकुलेटिंग फीस और कैलकुलेटिंग आइटम आपने जितने लगाए होंगे वो आपको इसमें दिख रहा है, कैसे कैसे फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन कौन से इसमें लगे हुए हैं, कुछ नहीं बिल्कुल इन्फॉर्मेशन देन। इसके बाद हमारा बचता है प्राइवेट टेबल, किसी शीट से आउटसाइड से डेटा कैसे ले जाए, किसी और शीट से डेटा कैसे ले। तो मान लीजिए यहाँ पे ये डेटा ये मुझे चाहिए कर लेता हूँ, और किसी को नई शीट में पाइवट यहाँ लगाता हूँ, नई शीट मुझे वहाँ पाइवट लगाना है डेटा पे, और मैं यहाँ डेटा इंपोर्ट नहीं करना चाहता। डेटा में जाके आपके पास है इंसर्ट प्राइवेट टेबल एक्सटर्नल डेटा सोर्स कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर, ब्राउज फॉर मोर में एक्सप्लोर यहाँ से आप चूज कर सकते हैं फाइल, ना मैंने उसको रखा है टेक्स्ट टॉप में, तो एक्सेल फाइल को आप दिखा देंगे प्राइवेट डेटा के नाम से, ठीक है तो शीट आ जाएगी, फिर आपकी प्राइवेट लिंक आ जाएगी, ठीक है। अब आपकी लिंक प्राइवेट है, उसमें ऐसा क्यों करते हैं हम, कई बार क्या होता है कि हमारे पास डेटा फाइल बहुत बड़ी होती है, उसको खोलेंगे तो आधे टाइम तो कंप्यूटर हैंग हो जाता है, और प्राइवेट टेबल में तो बस हमें खाली लिंक यूज करके छोटी छोटी टूल्स बनाना है। तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं जब भी आपको प्राइवेट बनानी और डेटा बहुत छोटी, तो क्या है प्राइवेट अलग हो जाएगी डेटा अलग हो जाएगा, प्राइवेट का काम यहाँ पे समाप्त हो जाएगा, इस तरह से प्राइवेट करते हैं। तो आज के लिए प्राइवेट में बस इतना ही, कंप्लीट प्राइवेट हमने कर लिया। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एडवांस में डेटा के बारे में, वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको प्राइवेट के लिए कुछ प्रैक्टिस फाइल उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं प्राइवेट का यूज कैसे कैसे होता है, डेटा।